नमस्कार, अर्थप्रकाश टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ट्राई सिटी का खबरनामा, इसको हम कह सकते हैं। ट्राई सिटी की खबरें हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चूंकि चंडीगढ़, तो पंजाब और हरियाणा की भी जो प्रमुख खबरें यहाँ हमें नज़र आती हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। और आज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी खबर तो यही है कि आज पंजाब विधानसभा का सत्र हुआ। आज दूसरा दिन था। 9 तारीख को 8 तारीख को शुरुआत हुई थी, लेकिन उस दिन सिर्फ कुछ देर ही कार्रवाई चली और आज प्रमुख रूप से कार्रवाई चली। और जिसके लिए सत्र बुलाया गया था वो आज काम पंजाब विधानसभा में कर दिया गया। दरअसल पंजाब में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने का फैसला केंद्र सरकार ने किया था। पंजाब में इसका विरोध हुआ, लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी सभी ने इसका विरोध किया। तो इसी को लेकर ये आज विशेष सत्र बुलाया गया था और आज विधानसभा में बाकायदा ये प्रस्ताव पारित किया गया कि पंजाब से ये जो फैसला है 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर जो ज्यूरिसडिक्शन सीमा सुरक्षा बल की ओर बढ़ाई गई है इसको वापस दिया जाए। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया और लगभग सर्वसम्मति से आप कह सकते हैं कि ये पारित हुआ। भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक हैं, वो दोनों गैर हाजिर थे आज, बाकी सारा का सारा हाउस मौजूद था और सबकी मौजूदगी में सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ कि ये प्रस्ताव पारित किया जाए कि ये फैसला पंजाब के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है और केंद्र सरकार इसके ऊपर नज़रसानी करें और इस फैसले को वापस ले। इस अवसर पर बोलते हुए सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि, और मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी ने भी कहा कि ये एक तरह से पंजाब सरकार में और पंजाब पुलिस में केंद्र सरकार की का अविश्वास की अभिव्यक्ति है। केंद्र सरकार कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस पर भरोसा नहीं कर रही है, पंजाब सरकार पर भरोसा नहीं कर रही है और एक तरह से एक राज्यों के अधिकारों के बीच में एक सेंध लगाने की भी यह अनाधिकार चेष्टा है। ये आज इस बात को लेकर ये बात साफ तौर पर आज सदन में कही गई। चरणजीत सिंह चन्नी का ये भी कहना था कि पंजाब पुलिस की जो पेट्रियोटिज्म है, जो उनकी राष्ट्रभक्ति है, उसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। बहुत मुश्किल हालातों में पंजाब पुलिस ने पंजाब को संभाला है, पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाया है और अब ऐसे समय में जबकि पंजाब में स्थितियाँ अच्छी हैं इस तरह का फैसला केंद्र सरकार को नहीं लेना चाहिए। बहरहाल अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इस मसले में क्या करती है। और अब हम चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। अब आ जाते हैं चंडीगढ़ पर। चंडीगढ़ में जैसा कि आपको पता है कि नगर निगम के चुनाव अब आने वाले हैं, तैयारियां चल रही हैं। हालांकि नोटिफिकेशन माना जा रहा है कि शायद 15 तारीख को होगी, उसके बाद स्थितियां और भी ज़्यादा साफ होगी। और अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, हालांकि कवायद चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी जारी है, कांग्रेस में भी जारी है, आम आदमी पार्टी में भी जारी है, बाकी लोग इंडिपेंडेंट्स भी काफ़ी इन चुनाव में खड़े हो गए हैं तो वो भी तैयारियां कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस सिलसिले में एक प्रेस वार्ता की जिसमें विनोद तावड़े जो कि केंद्र की तरफ से भेजे गए प्रभारी हैं और चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावों की सारी देखरेख की जिम्मेवारी उठा रहे हैं, उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें इंदु गोस्वामी जो कि सह प्रभारी हैं वो भी वहाँ मौजूद थी और अरुण सूद जो कि चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी थे। तो हालांकि कोई फैसला जो है वो कैंडिडेट्स को लेकर तो नहीं हुआ, लेकिन उनका ये कहना था कि इसके लिए हमने जो एक्सरसाइज है वो शुरू कर दी है। एक अहम बैठक जो है वो कल हुई थी जिसमें विनोद तावड़े भी मौजूद थे, इंदु गोस्वामी भी मौजूद थी, अरुण सूद के साथ साथ उसमें सत्यपाल जैन जो कि बहुत वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे, संजय टंडन वहाँ मौजूद थे और मेयर रविकांत शर्मा भी उसमें मौजूद थे। इसके साथ साथ किरण खेर जो कि अब सांसद हैं चंडीगढ़ से, वो ऑनलाइन उसमें जुड़ी थी अपना
क्योंकि वो चंडीगढ़ में उपलब्ध नहीं है, उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही थी क्योंकि नेताओं के बीच में आपसी मनमुटाव वो जग जाहिर है, लेकिन ये सभी नेता एक मंच पर इकट्ठा हुए, ये एक बड़ी बात थी। कोशिश निश्चित तौर पर यही हुई कि सभी को इकट्ठा लेकर चला जाए, टिकट्स को लेकर ज़्यादा घमासान ना रहे, टिकट को लेकर जो मारामारी रहती है वो स्थितियाँ ना बने, तो ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हुई हैं। विनोद तावड़े का कहना है कि जल्दी ही जो है वो फैसला लिया जाएगा, पहले प्रदेश जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर एक सूची बनाई जाएगी, उसके बाद उस सूची को जो प्रदेश स्तर पर लाया जाएगा और उसके बाद फिर आलाकमान को वो सूची भेजी जाएगी, उसके बाद अंतिम फैसला कोई होगा। यानी कि अभी करीब करीब कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को डिक्लेयर होने में 8-10 दिन का समय लग सकता है। बहरहाल चुनाव की तैयारियां जारी हैं, इसी तरह से कांग्रेस की तरफ से भी तैयारियां हो रही हैं और आम आदमी पार्टी, ये दोनों पार्टीज अभी फिलहाल सर्वेस कर रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सभी पार्टियाँ एक दूसरे के मूव को देख रही हैं कि क्या कौन क्या चाल चलता है, कौन पहले अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करता है, ये भी एक बात बड़ी मज़ेदार है, देखने वाली होगी। तो ये थी हमारी आज की दो प्रमुख खबरें जिनके ऊपर हम आपसे बातचीत करना चाहते थे। इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं हमारे पास, लेकिन वो हम उनके बारे में बात करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अर्थप्रकाश टीवी पर एक बार फिर से आपका स्वागत, और अब हम बात कर लेते हैं पंजाब के उस मंत्री की जो सबसे ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहा है। जब से ये मंत्रिमंडल नया बना है उसमें पहली बार अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को जगह मिली है, राजा वड़िंग को परिवहन मंत्री बनाया गया है, ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट उनको दिया गया है। पंजाब में ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट आप जानते हैं काफ़ी विवादों में रहने वाला ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। एक तरफ जहाँ सरकारी बसों का जो बेड़ा है वो लगातार कम होता जा रहा है, घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं बस ऑपरेटर्स उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है और उनके ऊपर वो मुनाफा भी कमा रहे हैं और उसके साथ साथ उनके ऊपर पूरे सिस्टम को मिसयूज़ करने के जो है आरोप भी लग रहे हैं। तो राजा वड़िंग अब मैदान में उतरे हैं और अब वो पूरी तरह से उन्होंने शिकंजा जो है इन प्राइवेट ऑपरेटर्स पर कसना शुरू कर दिया है। वो लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले वो सेक्टर 43 में गए थे जहां पर उन्होंने बस अड्डे पर जाकर बाकायदा वहीं पर मामले को सुलझाया और जो प्राइवेट ऑपरेटर्स थे उनको खूब झाड़ भी लगाई। उसके अलावा अभी कल ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर भी उन्होंने बड़े गंभीर आरोप जो पिछली सरकारें थी उन पर लगाए, खासतौर पर जो अकाली दल की सरकार थी उसके ऊपर लगाए और इससे पहले अपनी ही पार्टी की सरकार जिसको कैप्टन अमरिंदर सिंह चला रहे थे उसके ऊपर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि करीब 6,600 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला इस डिपार्टमेंट में हुआ है, इतना नुकसान जो है वो एक्सचेकर को पंजाब के खजाने को हुआ है और पंजाब की जो सरकारी बस सेवा है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो बिल्कुल जो है एकदम से समापन की तरफ एक तरह से वो जा रही है। और अभी उन्होंने आधी रात को जीरकपुर के पास जाकर छापेमारी की, पूरा का पूरा जो परिवहन विभाग का अमला था वो भी उनके साथ था। इस अवसर पर उन्होंने कई प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसेस को रोका, उनके परमिट्स वगैरह चेक किए और 6 बसेस को उन्होंने इम्पाउंड भी कर लिया। और उसके बाद निश्चित तौर पर सवारियों के लिए दिक्कत थी, लेकिन पहले उनको कहा गया कि वो जो सवारियां हैं उनको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाएं और उसके बाद वो बसें जो है इम्पाउंड की जाएंगी। बहरहाल ये उन्होंने अभी किया है, ये कितना प्रभावशाली ये तरीका है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ठीक है, एक तरफ भ्रष्टाचार से इनकार नहीं किया जा सकता, लगातार जो लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, एक तरह से ट्रांसपोर्ट माफिया जो है वो पंजाब में फैला हुआ है, उसके खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी है, लेकिन कहीं राजा वड़िंग जो कर रहे हैं वो सही मायने में एक एक्शन है या सिर्फ एक तमाशा करने का उनका इरादा है, ये अभी आने वाला समय हमें बताएगा। तो ये खबर भी हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। और अब हम बात करते हैं राजकुमार राव और पत्र लेखा की शादी, ये दोनों बॉलीवुड के जाने माने नाम हैं।
और इनकी बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए चंडीगढ़ को चुना है, या यूं कहिए न्यू चंडीगढ़ को चुना है, या यूं कहिए कि शिव विलास पैलेस, जो कि अगर हम यहाँ से बती की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ये एक लग्जरी रिसॉर्ट आता है, वो बहुत ही लग्जरी रिसॉर्ट माना जाता है और बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर आकर ठहरते हैं, बहुत ज़्यादा इसका जो टैरिफ है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये वेडिंग हो रही है, डेस्टिनेशन वेडिंग है। हालांकि बहुत ही प्राइवेट अफेयर है ये, बहुत कम लोगों को इस पर इन्वाइट किया गया है, सिर्फ उनके बहुत ही जो क्लोज फ्रेंड्स हैं या जो बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार हैं वो ही वहाँ पर रहने वाले हैं। लेकिन चूँकि राजकुमार राव एक बहुत बड़ा नाम है, हरियाणा से भी हैं और जो नई पीढ़ी के कलाकार हैं उनमें वो सबसे उभरते हुए कलाकार हैं, इसलिए उनकी बात करना ज़रूरी था। आपको ये भी बता दें कि पत्रलेखा और राजकुमार राव ने एक साथ जो है वो डेब्यू किया, राजकुमार राव ने तो पहले किया था लेकिन पत्रलेखा ने उनके साथ अपनी पहली फिल्म की थी लव लाइट्स। हालांकि राजकुमार राव को तो आप जानते हैं कि उन्होंने कई पोचे और शाहिद और उमर्टा जैसी शानदार फिल्मों में काम किया है, न्यूटन जैसी शानदार फिल्म में काम किया है, बहुत ही शानदार एक्टर वो माने जाते हैं। तो अब वो शादी करने जा रहे हैं, हमारी सबकी तरफ से उनको बधाई। और अंत में हम बात करेंगे आज जालोली में हुए एक कार्यक्रम की। जालोली गांव है, जब आप पंचकूला से रामगढ़ की तरफ जाते हैं तो उसी सड़क के ऊपर जालोली एक छोटा सा गांव है, जहाँ के रहने वाले थे शहीद कैप्टन रोहित कौशल। रोहित कौशल का आज शहीदी दिवस है, मार्टायर्डम डे है उनका। आज ही के दिन 11 नवंबर 1995 को डोडा जिले में वो अफगान उग्रवादियों के साथ, आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए वो शहीद हुए थे। काफ़ी बहादुरी के साथ वो लड़े और उन्होंने उस शहीद होते होते हुए भी अपनी जान गंवाते हुए भी उन्होंने दो अफगान आतंकवादियों को मार गिराया था। उनकी हर साल शहादत के मौके पर, शहादत मार्टायर्डम डे जो है वो जालोली में 11 नवंबर को मनाया जाता है। और आज इस कार्यक्रम में विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे, इसके साथ साथ पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल भी वहाँ पर मौजूद रहे, और इसके अलावा जो जिस यूनिट से वो थे उसके अधिकारी और दूसरे चंडी मंदिर से वरिष्ठ सेना के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कैप्टन रोहित कौशल के बारे में हम बता दें कि वो 1968 में अम्बाला में उनका जन्म हुआ। उनके पिता चंडीगढ़ से, हरियाणा से रिटायर हुए डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिटायर हुए। शुरू से ही उन्हें पढ़ने लिखने का शौक था और बाकायदा बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर माने जाते थे, और खुद उन्होंने अपनी लाइब्रेरी उस समय में बनाई थी जिसको उन्होंने रोहित लाइब्रेरी का नाम दिया था। और ये भी आपको बता दें कि 11 नवंबर जब उनकी शहादत हुई तो 27 नवंबर को उनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन शादी से सिर्फ 2 हफ्ते पहले वो इस तरह से देश की रक्षा करते हुए, देश के दुश्मनों के खिलाफ लोहा लेते हुए वो शहीद हो गए। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास खबरें। अर्थप्रकाश टीवी पर हम इसी तरह से रोज़ आपके साथ रूबरू हुआ करेंगे और आपको चंडीगढ़, इसके आसपास के इलाकों की जो प्रमुख खबरें हैं, जो प्रमुख हलचलें हैं, उनके साथ हम आपके साथ रोज़ मिला करेंगे। आप अगले कार्यक्रम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और इसके साथ एक बार फिर से आपको जो हम हर बार कहते हैं, तो गुजारिश करते हैं कि आप अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।